कि हालातों का आना और ना जाने का कारण क्या है। हालातों का आना और ना जाने का कारण क्या है, समझ आ रही? अभी हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10:9। तो यहां पे ऐसे लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। आमेन। ये एक ही वचन पूरे गॉस्पल को, पूरे बाइबल, पूरे सर्मन को क्या कर देगा, हाँ, पूरी इसको कंप्लीट कर देता है। एक ही वचन, समझ आ रही है? ये एक ही वचन पूरे बाइबल के आधार पर पूरे गॉस्पल को पूरा करता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जलाया, तो निश्चय मतलब पक्का तू बचाया जा चुका है। फिर क्यों हमारे ऊपर ये हालात राज्य करते हैं? क्यों हालात आते हैं और क्यों वो जाते नहीं हमारे जीवन से, क्या कारण है? ये बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि बाइबल में तो बताती है कि अगर तूने मन से उसे विश्वास किया है तो बचाया जा चुका है। हाँ, हालातों का तेरे ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्या नहीं है? समझते हो? अगर आपको यह समझ आ गई तो बाइबल बताती है आप बचाए जा चुके हो। फिर क्या कारण है कि हालात जाते नहीं है, हाँ, क्योंकि क्या कारण है? जैसे रोम की पत्री 8:1 में लिखा, अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पौलुस ने कहा उन पर दंड की आज्ञा, पर किन पर? उसने ऐसे कहा जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझ आ रही है? किन पर जो अब मसीह में उन पर किसी भी हालात मतलब दंड की आज्ञा नहीं है, पर किन पर जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते। अगर उसकी 12 पढ़ो तो वो प्लस कहता शरीर, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारे। हा? अगर मान लो किसी की बॉडी के ऊपर एलर्जी है तो वो रोज क्या करता है, सारा दिन, हाँ, क्या करता है? पर अगर वो शरीर में है तो वो मन लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, कुछ करेगा, जैसे मैं कहता हूं। पर अगर वो आत्मा की बात पर मन लगाएगा तो वो याद करेगा, मतलब आत्मा से उस क्रिया को खत्म करेगा। नहीं, मेरे लिए कौन मारा गया, कौन गाड़ा गया, मैंने किसको अंगीकार किया, मैंने किस पर विश्वास किया, ये मतलब समझ आ रही ना? क्या करेगा अगर उसके पास कुछ नहीं है, हाँ, तो वो इस चीज के लिए विश्वास करेगा। हाँ, मतलब चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे उसकी जरूरत हो, तो फिर वो ऐसे करेगा। क्या कैसे करेगा? ऐसे करेगा।
समझ आ रही ना? तो फिर वो अपनी बुद्धि अपनी सोच नहीं लगाएगा। क्या नहीं लगाएगा? जैसे नीति वचन में लिखा कि हे मेरे पुत्र, मेरी तालीम मेरी शिक्षा को ना भूलना। तो जो भूलेगा नहीं वो ऐसे करेगा, हाँ क्या करेगा? और जो ऐसे करेगा वो हालात को दूर करेगा। क्या करेगा? वो हालातों को अपने जीवन से, मैंने कहा, वो दूर करेगा। क्योंकि जैसे उसने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी तालीम मेरी शिक्षा को ना भूलना। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पापों के लिए कौन मारा गया, गाड़ा गया, और आपने किसको अंगीकार किया, आपने किस पर विश्वास किया। बाइबल बताती है आप निश्चय उद्धार, मतलब आप बचाए जा चुके हैं। क्या बचाए चुके? समझ आ रही हो? अगर वो अपनी बुद्धि लगाएगा, परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखेगा, इसलिए उसने कहा हाँ अपनी समझ का सहारा ना लेना। मुझे याद करके अपने जीवन के सारे काम करना, मैं तेरे लिए सब मार्गों को क्या करूंगा, टेढ़ा करूंगा कि सीधा करूंगा। अगर आप बुद्धिमान हो तो आप फिर क्या करोगे, ऐसे करोगे। अगर आप बुद्धिमान नहीं हो तो फिर अपने शरीर से सोचोगे, फिर आप मुझे कहोगे मैं ठीक नहीं हूं, कृपा करो, करो सानू, साढ़े ते प्रार्थना करो, ये करो, हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे चेहरा भी कैसे करो जी, देखो कितनी परेशान है मैं, हाँ ऐसे करोगे ना? अगर आप समझ, आप अगर आपको समझ आ गई, क्या आ गई, अगर हो भी, क्या है हो भी, क्योंकि उसका सच्चाई का नियम बताता है, जैसे अब्राहम ने लिखा उन बातों का विश्वास ऐसे किया जैसे मानो वो है, हाँ जैसे आप बीमार हो परेशान हो तो फिर भी आप विश्वास करोगे नहीं, तो फिर जैसा करोगे, हाँ जैसे किसान जो बोता है वही काटता है। अगर आप ये अपने जीवन में रोज रोज बो रहे हो तो आप यही काटने वाले हो। अगर आप चिंता बो रहे हो, सोच बो रहे हो, परेशानी को रोज रोज ऐसे कर रहे हो, इसलिए उसने कहा अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, मुझे याद करके अपने जीवन के काम करना। क्या करना? तेरे लिए मैं सारे मार्गों को क्या करूंगा, सीधा। हाँ फिर उसने कहा अपनी निगाह में बुद्धवान ना होना, जैसे कुछ लोग सियाने बनते, अपनी निगाह में बुद्धवान ना होना, समझे हो? मेरे भय मतलब मेरे डर को, हाँ भय मतलब डर, मानना। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से डरते हैं, हाँ बोलो कितने लोग हैं डरते हैं? थोड़े दिन पहले की बात, हम जब हम जहां से जाते हैं तो हमारे घर से मुड़ने से पहले मोड़ पर एक दुकान है, शॉप है करियाने की, तो कुछ ना कुछ हम जाते जाते कभी ले लेते हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, हमने बिस्कुट लिए और मैंने वो बिस्कुट 2 पैकेट 50 के थे और मैंने अपने बेटे को 50 रुपये दिए और उसने, मैंने कहा कि दो पैकेट लिया और उसने उन्हें दुकान वालों ने 30 रुपये वापस दे दिए। हाँ क्या दे दिए? तो मैंने उसे कहा कि मैंने, मुझे पता है मैंने 100 नहीं 50 ही दिए, अगर मैंने 100 भी दिया होता तो फिर वो 50 देता 30 को देता। और मैंने उसे कहा उसे वापस दे के आओ, क्या कर देखा हो, उसे वापस दे के आओ, समझे हो? और शायद 2-3 दिन पहले की बात, मैं अपने घर का बिल पे करने के लिए, मेरे सामने किसी का मतलब 500 का नोट वो ऐसे गिनता आ रहा है तो उसका गिर गया और वो आगे निकला है और मैंने देख लिया और मैंने उठाकर कहा आप अपने पैसे गिनो, उसने कहा कम है, मैंने कहा ये लो। ऐसे दुनिया में होता नहीं, पर कौन लोग करते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। इसलिए उसने कहा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और परमेश्वर का भय मानना। अगर तू ऐसा करेगा तो उस वहां पे कंडीशन दी, तब कैसे कंडीशन दी, तब मैं, तब तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। आमेन।
हालेलुया। कौन लोग हालातों में नहीं रहेंगे, कौन लोग नहीं रहेंगे जो खुदा का भय मानेंगे। कितने लोग आज भी मसीह में पाप कर रहे हैं, व्यभिचार में, वैर विरोधता, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, चोरी कुंडी लगा रहे हैं, मसीह के आने के बाद भी सब चीजें वो कर रहे हैं। अरे तो शैतान हालात कैसे जाएगा? और फिर कहते हैं जी हमने तो इतनी प्रार्थना की, आप कहते हो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, मैं तो अभी घंटा एक करती हूं घंटा एक करता हूं, हालात तो मेरा जाता नहीं। बाकी चीजें चेक करो, क्या प्रार्थना के साथ, मैं कहता हूं कि प्रार्थना बहुत जरूरी है, पर प्रार्थना के साथ साथ आप चेक करो कि बाकी चीजें जो वो भी आप सही कर रहे हो कि नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, गलती से किसी ने दे दिए, अरे शैतान तो हमेशा आपको फंसाता है। हाँ 500 रुपए मिल गए, हाँ ए, और गवाही देवांगे 500 रुपये लब्बे, अरे ये गवाही नहीं है, ये गलत चीज है। आपने देख लिया अगर, हाँ सामने से देख लिया उसके गिरे हैं, आपके सामने से वो गिन रहा और वो उसके गिर गया 500 का नोट, और आपने देख लिया और आप कह रहे हो गवाही देवांगे जी परमेश्वर ने सानू 500 रुपया देता, ये गवाही नहीं है। समझ आ रही है? इसलिए भय मानना ना, देखना जब हम सिद्ध होते जाते हैं हर बात में, बाइबल में लिखा जब आप सिद्ध होगे तो मसीह की देह उन्नति पाएगी। क्या पाएगी? जब आप इन बातों में सिद्ध होगे तो मसीह की देह उन्नति पाएगी, क्योंकि हम किसकी देह हैं? हाँ, जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम सब काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो? जो मैं करता हूं तुम भी कर सकते हो, पर वैसे बनना पड़ेगा ना, क्या बनना पड़ेगा तो फिर हो सकती। हाँ समझ आ रही है? किसी भी चीज का लालच नहीं करना। हाँ क्या नहीं करना? लालच नहीं करना, लालच। लालच भी किसकी ओर से है? आपको पता बाइबल में लिखा लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ अगर आप लालच कर रहे हो तो आप परमेश्वर की आराधना नहीं मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो कहां से अब छुड़ाए जाओगे, कहां से वो आशीष आएगी, कैसे हालात जाएंगे? बोलो, लालच एक मूर्ति पूजा के समान है, तो कैसे हालात जाएंगे? समझते हो? और आने का कारण भी सुनो, हालात क्यों आते हैं? बाइबल में तो लिखा है, अगर आप गलातियों 5:1 पढ़ो तो वहां पे ऐसे लिखा मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद कर दिया, अब उसकी आजादी में स्थिर रहना और उस गुलामी के जुए दोबारा ना आना। जब यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को अच्छा किया तो उसने उसे दोबारा मिला, उसने कहा देख तू अच्छा हो गया, अब कोई पाप ना करना। और लोग जब चंगियाई पा लेते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। हाँ क्या करते हैं? वो भूल जाते हैं, फिर वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अपने काम में बिजी व्यस्त हो जाते हैं, उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। चलो जी अब तो हमारा काम हो गया, हाँ अब हमें क्या जाने की जरूरत है, अब ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत क्या है, अभी बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो हम अच्छे हो गए, हमारा काम तो हो गया। पर आपको पता नहीं अगर नहीं करोगे, क्यों यीशु मसीह कहा रोटी से ज्यादा जरूरी है किसका वचन? रोटी तो हाँ कुछ भी हो जाए, काम दिहाड़ी लगे ना लगे, पैसे हो ना हो, ऐसे नहीं होता आज पैसे नहीं है जी आज नहीं रोटी खानी। कभी ऐसे होता है किसी भी घर में, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों नहीं। और यीशु ने कहा रोटी से भी ज्यादा क्या है। हा? पर लोग जब हील हो जाते हैं, उन्हें उनका काम हो जाता, वो धीरे धीरे उनकी चाहत उनका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। वही चीज शैतान यीशु मसीह ने कहा खाली घर देखकर, जब एक दुष्ट आत्मा चली जाती है तो वो खाली को देखकर 7 औरों को लेकर आती है और उससे भी हालत क्या करती है। हाँ फिर वो कहते जी हम तो विश्वास करते थे, पर कौन सा विश्वास और कैसा विश्वास करते थे। हाँ फिर कहते जी क्यों आया हालात जी, अच्छी तो प्रार्थना कर दे जी, हाँ अभी तो विश्वास कर दे, पर कौन सी और कैसी। समझ आ रही ना? क्योंकि जैसा प्रेम उसने किया वैसा प्रेम आप भी करो। अपनी बुद्धि ना लगाओ, उसके साथ चलो, उसकी हर आज्ञा को मानो। कब इंसान फंसता है, उसके जाने का कारण और आने का कारण मैं बता रहा हूं। हाँ
अभी मैंने पहले जाने ना जाने का कारण बताया, अभी हालात जो मसीह में है, जिनके ऊपर बार बार मसीह में आने के बाद भी दोबारा दोबारा हालात आते हैं, क्या आते हैं, बार बार हालात आते हैं, आने का कारण क्या है? क्योंकि वो स्थिर नहीं, हाँ, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रही, हाँ, अभी काम हो गया, अभी अपने कामों में व्यस्त है, फिर आने की जरूरत नहीं, वो फिर शैतान छुएगा, फिर वो भागे आएंगे। पर जिस बड़े काम के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में आपको बुलाया है प्रकट करने के लिए, वो रुका रहेगा। हाँ ठीक है, परमेश्वर भला है, आप आओगे वो फिर अच्छा कर देगा, आप फिर ऐसे चले जाओगे, पर ये गलत चीज है। क्या है बोलो? ये गलत चीज है मसीह लोगों के लिए। इसलिए दोनों चीजों को ध्यान से समझना, जाने का कारण, ना जाने का कारण भी समझना कि क्यों नहीं जाते, और आने का कारण भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए अपने परमेश्वर से बने रहना और उसकी हर आज्ञा को मानना, उसका भय मानना, कोई गलत कोई पाप नहीं करना, क्या नहीं करना, कोई गलत चीज नहीं करनी, कोई वैर विरोधता नहीं करनी, समझ आ रही है? फिर आप बचे रहोगे, आपका जीवन सेफ रहेगा। क्या रहेगा? आपका जीवन सेफ रहेगा, सेफ। आमेन, हालेलुया।